हेलो एवरीवन, दिस इज बीमल और आज मैं आपको हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ चीज बताना चाहता हूँ। हम हमारे जीवन में जब हम रास्ते पे निकलते हैं, ज्यादातर जो लोग शहर में रहते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट दिख जाता है और वो ट्रैफिक लाइट्स में तीन कलर होता है और वो तीन कलर हमें अलग अलग नियम बताता है। जैसे कि पहला आता है रेड। रेड कलर हम सब जानते हैं कि रेड कलर का मतलब है हमें रुकना है वहाँ। उसके बाद आता है येलो कलर। येलो कलर है मतलब हमें वहाँ पे स्लो रहना है, धीरे से नहीं, हमें वहाँ पे स्लो रहना है। उसके बाद जो आता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब हमें जाना है सामने। वैसे ही अगर हम अपना क्रिश्चियन जीवन को उस ट्रैफिक सिग्नल से हम अगर कंपेयर करें, उसको देखें कि वो नियम जो बनाया गया रास्ता के लिए, तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे चीज है जो हमें फॉलो करना है। बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे पद लिखा गया है, वर्स लिखा गया कि जो हमें पालन करना है, वो भी अलग अलग तरीके से लिखा गया कि जहाँ पे बोला गया है कि अभी ये रेड सिग्नल है तो हमें वहाँ पे खड़ा रहना है, उसको पार नहीं करना है। अगर हम पार करेंगे रास्ते में जो ट्रैफिक सिग्नल है, अगर उसको हम पार करेंगे तो हम जानते हैं कि उसके लिए हमें फाइन भरना पड़ेगा और शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम मसीह में रहते हैं, जो वचन कहा गया कि अभी समय नहीं है चलने के लिए, हमें रुकना है, अगर हम नहीं रुके तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें वो चीज़ें फॉलो करना चाहिए। बाइबल में अगर एक पद देखेंगे, अगर एक्लिसियस 12 चैप्टर 1 का देखेंगे, वहाँ पे लिखा है कि हम अपने समय में प्रभु को ना भूल जाए, हम अपने सृजनहार को ना भूले, ताकि हम आने वाला दिनों में ना भूल सके कि इसमें हमारा मन नहीं लग रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि बाइबल को पढ़े और जो चीज हमारे लिए बताया गया है, जो पद हमारे लिए बताया गया है, उसको हम पालन करें। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम बाइबल को पढ़े और उसको ध्यान में रखे और उससे चले। मैं आशा करता हूं कि इस ट्रैफिक लाइट जैसे हमें अपने रास्ते में चलने के लिए जो नियम बताता है और हम फॉलो करते हैं, तो एज क्रिश्चियन होते हुए हम क्यों नहीं उसको पालन करते। आइए हम आज से नया करके हम बाइबल को फॉलो करें, उस नियम को फॉलो करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।